गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मामा जी अभी रेस्ट में ही हैं। मैं सुबह सुबह पार्क में आ गया थोड़ा टहलने के लिए और देखोगे ना पूरी तरह से कोहरे ने पूरा शांति कुंज क्या पूरा हरिद्वार ढका हुआ है। और अभी मैं सुबह सुबह मंदिर में नहाने के बाद दर्शनों के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद फिर मामा जी को उठाते हैं एंड फिर देखते हैं आज यहाँ से यात्रा कहाँ तक होती है, या कहूँ कि हरिद्वार में आज हम कहाँ कहाँ जाते हैं। मामा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो अब मामा जी के साथ कहाँ जा रहे हैं मामू? हर की पैड़ी जाएंगे फिर। तो मामा जी का थोड़ा बहुत हर की पैड़ी में काम है, तो वहाँ पे स्नान करने के बाद और भी कई सारे काम है, वो काम पूरे करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं आज मामा को कहाँ कहाँ घुमाया जाता है। अभी कुछ फिक्स नहीं है। हर जाने के लिए गेट पर आ गए हैं और हमें अपने पर्सनल वाहन से ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे और एक्स्ट्रा वाहन किराए पे लेने की सोची थी, परंतु 800 रुपए पर डे का है, तो इससे अच्छा तो हम इसमें ही एडजस्ट कर लेंगे। मामा ऑटो में चले जाओगे, इसमें ही आओगे? अरे यार इसी में जाऊंगा भाई। इसमें आओगे कैसे, इसमें एक ही आदमी आता है? अरे ऐसी बैठेंगे भैया, बक्सों के ऊपर बैठोगा। ऊपर बैठोगा, जगह ही नहीं है। और फिर भी कह रहे मामा की इसके ऊपर बैठूंगा। ले जाओ भैया, मैं तो क्या देखा है नहीं मैंने। हां जाऊंगा तो ये छोड़ के आ जाऊंगा। एक साइड से आराम से है। हां आराम से, सब आराम से। आओ आओ, ये हो रही है जगह। हां सही है, काफी हो रही है यार मेरे लिए। कौन सी जगह सही है? रास्ते का व्यू नहीं मिलेगा, आप सीधे मिलेंगे आपको हर की पौड़ी। तो गाड़ी को हमने नीचे पार कर दिया, अब हम पैदल पहले जा रहे हैं इधर स्नान घाट की ओर, यानी हर की पौड़ी में। तैर हो गया आज तो? आज सही में अच्छा, देखो हर की पौड़ी का नजारा। मामू आप कितने सालों के बाद आ रहे हो आज हर की पौड़ी में? तो अभी 20-25 साल हो ही गए थे मैं। 25 साल के बाद आ रहे हो, तो चलो स्नान करते हैं। पहली डुबकी। हाँ चलो जान से फिसलने, फिसलने वाला है आराम से। अरे डुबकी मारो यार फटाफट, ये क्या कर रहे हो? हटाफट मारो भाई डुबकी। डुबकी मारो, डुबकी कोई डुबकी में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, आराम से आराम से आराम से करो, आराम से। मुझे तो कांपने लग गए। मामा जी की वो पहाड़ी पावर कम होने लग गई है। हमको क्या अभी और कहते तो और नहा लूंगा मैं। अच्छा ये मामू के साथ एक आध सेल्फी हो जानी चाहिए इसी पोज में। लो जी कुछ नहीं, महंगा कुल्फी का माला है, बिना ही लगता है भाई। तो सही सही लगा ला दे दे, ये माला भी ले लिए फिर आज मैंने। चप्पल जूते बैठ, कोई 500 रुपए दे दो मामू। 500 रुपए दे दो, 500 हो गए भैया के। तो मामा का कैश बैंक निकल गया है 500, पूरा दे दो मामू। लो पकड़ो जी,
ये मामा जो है थोड़ा बहुत दानवीर भी हैं कि हम ऊपर आ गए हैं, बहुत मतलब बहुत नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि हम नीचे से आए थे, तो अभी वापसी में इस पुल को क्रॉस करके अब इस वाले ब्रिज से हम रोड में जाएंगे और गाड़ी लेकर के। मामा आप कहाँ जाएंगे? मनसा देवी धाम पहाड़ों वाली, धाम पहाड़ों वाली। एक गेट तो ये रहा मनसा देवी जाने का प्रवेशद्वार, एक पीछे है पैदल यात्रा वाला। मैं आगे के रास्ते जाऊंगा जहाँ से हम पिछली बार गए थे गाड़ी लेकर के, ऊपर के रास्ते से जाएंगे। पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था हम दूसरे रास्ते मनसा देवी गए थे, लेकिन इस बार हम दूसरे रास्ते जा रहे हैं। उसी रास्ते में थोड़ा बहुत आगे बढ़ने के बाद मतलब ये सीढ़ियों वाला रास्ता पड़ता है, ये थोड़ा बहुत मुझे पता चला है कि शॉर्ट है, तो इस रास्ते भी आखिरकार पहुंच गए मंदिर में। तो चलो मामू, तो अभी हम ना इस रास्ते गए और दर्शन करके वापस आ गए हैं, क्योंकि अंदर ना कैमरा अलाउड नहीं होता। तो वैसे मैं अपनी पिछली वाली वीडियो में मतलब मैंने दिखाया था फिर भी अंदर का। तो अब मामू अब कहाँ चले? अब चलो चंडी देवी चलते हैं, मनसा देवी के दर्शन कर लिए तो चंडी देवी के लिए कर लेते हैं नीचे यहाँ से। मामा क्या खा रहे हो अभी? नाम बताएंगे मामा? राम भगवान का जो यार। मामा खा रहे हैं अभी नागमनी, देखो ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है पर हम ऐसे ही करके करते हैं, और ये वाले बेर भी बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। नागमनी में बोलो यार, राम फल बोलो भाई। राम फल, राम फल है ना, राम फल है, तो अभी राम फल खा रहे हैं। घर मामा कह रहे घर वाले वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे नागमनी खा ले वहां जाकर के, राम फल है मामा, लो और लीजिए। खाओ यार खाओ, ये खाओ, लो 10 रुपए किसी को दान दे तो कुछ भला होता। मामा सुबह से 500 रुपए तो बांट दिए हैं आपने, 10 रुपए और भी बांट दे। चलो कोई नहीं, अब टेस्ट कभी कभी लेना चाहिए। लो यार बहुत दिन हो गए, मतलब बहुत समय हो गया मुझे, मैंने नागपनी नहीं खा रखी, फिर खाओ फिर। अब चलो फिर, चलो चलते चलते खाते हैं। कहने की देरी थी और इस बार हम चंडी माता मंदिर जाएंगे पैदल वाले रास्ते, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने देखा था हम ट्रॉली के माध्यम से गए थे, तो इस बार मामा जी को पैदल पैदल ले जाएंगे, क्योंकि मेरी तो जेब खाली हो गई है। अब मामा के वो 500 वाले सारे नोट खत्म हो गए हैं। मामा बचे हैं कुछ? अब यार हल्के दुल्के बचे हैं भैया, आगे को भी तो चाहिए। घर क्या करेंगे, अभी बहुत दिन है। ये भी सही कह रहे हो यार, वैसे पैदल चलने का कुछ और ही आनंद है ना मामू। हाँ आनंद हुआ, और अभी हम जा रहे हैं फिर, देखो कई सारे लोग दिख रहे हैं फिर पैदल वाले ट्रैक में, पैदल ट्रैक घूम 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 करके सीधे माता चंडी पहुंचता है, और यहाँ से माँ चंडी का पूरा व्यू देखने को मिल रहा है। तो पहुंच गए जी मंदिर के लिए, रास्ता कौन सा यहाँ से? तो ये था हमारा पैदल ट्रैक जो कि पूरा हो चुका है मामा के साथ, और चंडी माता में दर्शन करते हैं और उसके बाद वापस। गाओ गाओ, अच्छा गा रहे हो आप, गाओ ना। बहुत अच्छा, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे है माता रानी का ठिकाना, इससे अंदर फोटो खींचना अलाउड नहीं है। यहाँ पे मोर देखने को मिले, देखो अगर जूम होता है तो आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे मोर हैं पर लेकिन आ ही नहीं रहे इसमें, पर यहाँ से नहीं आ रहे। माता चंडी में यह एक छोटा सा जो मार्केट है ना, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आपको तरह तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, पूजा पाठ सामग्री के साथ और भी तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, और कुछ निशाने के तौर पर ले जा सकते हैं। और मामा ने तो निशाने के तौर पर बहुत कुछ खरीद लिया है छोटे छोटे बच्चों के लिए, हरिद्वार की निशानी। मामा सच ही कहते हैं ना, बड़े बड़े मंदिरों में बस जाने की देरी है, दर्शन करने में देरी नहीं लगती है। चलो 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 चलो, बस वही होता है। चलो चलो, हम लोग दर्शन करने के बाद वापस आ गए हैं। यदि आपने मत पीना को फिर से पिन पहन की, मत पीना को, अच्छा अच्छा नहीं पीऊंगा यार। मामा से मैंने बोला बीड़ी मत पीना, वीडियो में सब ऐसे ही मिलते हैं, मुझे मत पीना वाले। कोई नहीं, मामा को भी थोड़ा वो पड़ गया, लेकिन आजकल मामा भूल गए हैं बहुत ज्यादा, है ना। दिन में एक ही बीड़ी तो पी रहा हूँ मैं आज, दिन सुबह से। क्या है आपको इसका, इसका क्या है आपको? किसका? बीड़ी का। अब एक बीड़ी यार, ये सुबह से एक बीड़ी। ना ना, ये क्या हो गया मतलब आपको? अब कल से नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का श्योर बाबा, आज दिन पीऊंगा, एक शाम को भी
ये ऐसा ही होता है ना, जिनको अमल होता है वो लोग कहते हैं आज छोड़ देंगे कल छोड़ देंगे, लेकिन छूटती नहीं है। मैं सच बताऊं तो इश्क ठहराओ, इश्क इश्क हां इश्क नहीं, ये अमल हुआ आपको। अमल अमल के बश में हो यार, फिर क्या करूं। जो आदमी अमल के बश में हो जाता है वो फिर हट नहीं पाता है। अमल अपने बश में होना चाहिए कभी भी। अच्छा समझ गए। अब मैं तो, मुझे तो शिक्षा देने का काम है, चाहे मैं गलत हूँ। मामा बड़े मस्त हैं भैया, फ्रेंडली रहते हैं, हंसी मजाक खूब करते हैं, परंतु ये छूटेगी भी नहीं। और मामा ज्यादा वैसे पीते नहीं है, बहुत कम। तुम भी मत पीना। मैं तो पीता ही नहीं मामा। ये पीते हो या? ना ना नहीं सर, मेरे सामने कभी ना, ना कभी नहीं पीता हूँ। चलो ठीक है, ये बढ़िया था। हाँ मैं तो यही कहता हूँ, ना दारू पियो ना बीड़ी पियो, कोई ऐसी गुटखा पान सिगरेट कुछ नहीं। हाँ सुरती भी नहीं, गगन भी नहीं, ये बहुत रद्दी चीज है। सही कह रहा हूँ। अब पी लू चले मामू, ठंडा अभी काफी ज्यादा हो रहा है, तो अभी रोड में आ गए हैं। अब चलते हैं हम वहाँ, चले दक्ष प्रजापति कनखल में। चले चलो मामा को वहाँ पे दर्शन कराने के बाद फिर हम सीधे चले जाएंगे शांति कुंज। और अभी देखो सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना सूर्य। और हम दक्ष प्रजापति कनखल में पहुंच चुके हैं। वैसे हम इस वाले टेंपल को भी पहले ही कवर कर चुके हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो कनखल में दक्ष प्रजापति टेंपल को आप पूरी तरह से देख सकते हैं। सामने है मुख्य मंदिर और आगे है पवित्र धारा माँ गंगा की, उस साइड वहाँ पीपल का पेड़ भी है। तो आइए फिर दर्शन करते हैं। और हमें अभी अंधेरा ही हो गया है कनखल में दक्ष प्रजापति मंदिर में। अभी यहाँ से शांति कुंज की दूरी काफ़ी है, तो वहाँ चलते हैं और अब आपको वहीं पे मिलते हैं। चले मामू चलो चलो चलो।